कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया। इसी के साथ लॉकडाउन के दूसरे पार्ट को लेकर गाइडलाइन जारी करके सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने इसी पर किसानों को कुछ रियायतें भी दी, जिसमें खेतीहर मजदूर कार्य कर सकेंगे और खेती और औजार बनाने वाली दुकानें भी खुलेगी। इसी के साथ उद्योगों को भी छूट दी गई। SEZ में कार्य शुरू किया गया। इसके साथ में ई कॉमर्स कुरियर सेवाओं को भी राहत प्रदान की गई है। जरूरी चीजों को बनाने वाले कारखाने भी खुल सकेंगे। सरकार ने बताया कि आवश्यक सामानों दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा, लेकिन कुछ शर्तें भी रहेंगी। गाइडलाइन के अनुसार सभी तरीके की परिवहन सेवाओं पर रोक जारी रहेगी। हालांकि ट्रेनों में सुरक्षा से जुड़े लोगों की आवाजाही हो सकेगी। इसके अलावा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर रोक फिलहाल जारी रहने वाली है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल लॉज भी खुले रहेंगे और बिजली मैकेनिक प्लम्बर मोटर मैकेनिक कारपेंटर को फिलहाल इजाजत दी गई है। 50% कर्मचारियों के साथ IT कंपनीज को भी कार्य करने की मंजूरी प्रदान की गई है। लगातार यहां पर सरकार के द्वारा लोगों को इस चीज से उभारने के लिए रियायतें भी दी जा रही है। चूंकि आज लॉकडाउन 2 का पहला दिन है, इसी के साथ में सरकार की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई, जिसमें मजदूरों और खेती करने वाले लोगों को यहां पर राहत सरकार ने दी है। इसी के साथ में बताया गया कि परिवहन के जितने भी साधन है वो फिलहाल बंद रहने वाले हैं। लॉकडाउन 2 पर केंद्र ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी। गांव में सड़क निर्माण का कार्य अब शुरू हो पाएगा। इसी के साथ SEZ में औद्योगिक उत्पादन भी फिलहाल जारी रहने वाला है। आवश्यक सामानों और दवाइयों का उत्पादन यहां पर जारी रहेगा। कोयला खदानों के कार्य शुरू हो पाएंगे। साथ ही में किसानों से जुड़े कार्य भी अब शुरू किए जाएंगे, जिससे कि प्रकार से खेतीहर जो मजदूर हैं और किसान हैं, उनकी किसी भी प्रकार से यहां पर सरकार प्रतिबद्ध है सहायता करने में। ट्रेनों में सुरक्षा से जुड़े जो भी लोग हैं उनके आवाजाही फिलहाल जारी रहेगी। दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना यहां पर सरकार की जो नई गाइडलाइन है उसमें जारी कर दिया गया है। हर सार्वजनिक जगह पर अगर आप निकलते भी हैं, पहली चीज तो आपको अपने घरों पर रहना है, लेकिन उन विशेष व्यक्तियों के लिए जिनको बाहर जाने के लिए यहां पर सरकार ने इजाजत दी है, उनके लिए सार्वजनिक जगहों पर अब मास्क लगाना अनिवार्य यहां पर कर दिया गया है नई गाइडलाइन में। कई IT कंपनीज, बैंक शाखाएं, ATM, पोस्टल सेवा और पोस्ट ऑफिस खुले रहने की यहां पर इजाजत सरकार के द्वारा दी गई। लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों के लिए होटल्स और लॉज भी खुले रहेंगे। अस्पताल क्लिनिक के साथ साथ दवाई की दुकानें यहां पर खुली रहने वाली है, लेकिन सभी तरीके की परिवहन सेवा पर फिलहाल 3 मई तक के लिए रोक लगा दी गई है। बस, रेल, मेट्रो, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सभी परिवहन के साधन यहां बंद रहेंगे। स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं भी यहां पर बंद रहेगी। घर से ही कई शिक्षण संस्थाओं ने चूंकि अब यहां पर ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है, तो उसी प्रकार से घर पर रहकर ही यहां पर इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता दिनेश कसाना मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए, जिस प्रकार से यहां पर लॉकडाउन 2 का आज पहला दिन है, सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है, इसमें आप जरा बताएं कि किस प्रकार से लोगों को यहां पर रियायत दी गई है और प्रतिबंधों को जो किस प्रकार से यहां पर अधिक बढ़ाया गया है। देखिए जयती, 21 दिन के लॉकडाउन के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की गई थी, और उसके लिए आज केंद्र सरकार की ओर से, होम मिनिस्ट्री की ओर से पूरी गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कुछ राहत देते हुए कुछ और सेक्टरों को भी छूट दी गई है। खेती से जुड़े हुए हैं जो सेक्टर हैं, उसमें किसानों के, चाहे खेतीहर मजदूर हों या कृषि उपकरणों की दुकानें हों, उनके मरम्मत के सामान, रिपेयर पार्ट्स की दुकानें हैं, खाद, बीज, कीटनाशक, पूर्ण रूप से खेतीहर जो मजदूर हैं उनको लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। खेती से जुड़े हुए जितने भी कीटनाशक की दुकानें हों या कीटनाशक दवाओं के निर्माण की जो गतिविधियां हैं उनको पूर्ण रूप से मुक्त रखा गया है। एक राज्य से दूसरे राज्य में कटाई के लिए जो मशीनें जाती हैं उनको भी इससे अलग रखा गया है। साथ ही दूध और दूध सप्लाई वितरण की जो व्यवस्था है उसको लॉकडाउन से पूर्णतः मुक्त रखा गया है। देखिए, मुख्य रूप से जो कुछ औद्योगिक जो इकाइयां हैं, सेज से जो संबंधित हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिनमें ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हों या टेक्नोलॉजिकल जो फैक्ट्रीज हों, उनमें भी 50% जो स्टाफ है उसके साथ काम करने की छूट दी गई है, उनके स्टाफ को भी। साथ ही जो परिवहन है, सार्वजनिक परिवहन पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा जी।
जिसके साथ मेडिकल जो पहले से छूट दी गई थी मेडिकल हेल्थ सर्विसेज में वो पूरी तरह से चालू रहेंगे। दवा फार्मा ये सब लॉकडाउन से मुक्त रहेगा। सड़क मरम्मत और मनरेगा के जो कार्य हैं वो शुरू किए जा सकेंगे। गांव में सड़क के जो कार्य हैं वो हो सकेंगे। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां हैं वो भी लॉकडाउन में शुरू की जा सकेंगी। बैंक शाखाएं हो, एटीएम हो, पोस्टल सर्विसेज हो, ऑनलाइन ये सारी चीजें हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, वो चालू की जा सकेंगी, जिसमें किसी तरह का लॉकडाउन का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। साथ ही अगर बात की जाए इमरजेंसी हालात में दुपहिया और वाहनों की हो या फोर व्हीलर्स वाहनों की हो तो इनको भी इससे अलग रखा गया है। साथ ही जो जरूरी सामान है पेट्रोलियम एलपीजी इनको भी पूरी तरह से रियायत दी गई है। साथ ही जो माल ढुलाई है, ट्रांसपोर्ट का जो सामान है वो ट्रक पूरी तरह से चल सकेंगे। हालांकि उनमें टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं, जो अनुमति है वो ली जा सकेंगी। और उसके बाद ही सार्वजनिक परिवहन की बात की जाए तो रेल, बस और मेट्रो ये पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही किराना की दुकानें, जो खाद्य सामग्री है, राशन की दुकानें हैं, फल सब्जी, चाय, मछली, पोल्ट्री फार्म, डेयरी से संबंधित हैं, ये सारी चीजें लॉकडाउन में छूट दी गई हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद दिनेश। आपको बता दें आज लॉकडाउन 2 का पहला दिन है। पूरे देश में यहाँ पर जो मजदूर वर्ग है, किसानों से जुड़े कार्यों को यहाँ पर सरकार ने अपनी नई गाइडलाइंस में उन्हें राहत प्रदान की है, रियायत यहाँ पर प्रदान की गई है। कई तरीके की यहाँ पर घोषणाएं की गई जिससे लोगों को किसी न किसी प्रकार से घर में बैठकर भी ये सांत्वना रहे कि फिलहाल वो सेफ है और आने वाले दिनों में जब ये लॉकडाउन का असर खत्म होगा तभी भी ज्यादा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। किसी भी प्रकार से उनको यहाँ पर सरकार ने समझाइश करने की लोगों के साथ में कोशिश करते हुए रियायत बढ़ती है। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र